एडवांस 2019। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी यू नॉट, ठीक है, और एंगल थीटा से, विद वेलोसिटी यू नॉट एंड एंगल थीटा से। अब क्या हुआ कि इसको जब हमें प्रोजेक्ट किया तो कोई रेंज अटेन करेगा, फिर सरफेस के साथ कोलाइड करने के बाद फिर दोबारा क्या हो रहा है, ये सेम एंगल से बट रिड्यूस वेलोसिटी से दोबारा प्रोजेक्ट हो गया, यानी ऐसे, ठीक है, फिर सेम एंगल बट रिड्यूस वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे कर, और यहाँ पे वेलोसिटी जो इसका म्यू नॉट बाय ये टाइम से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे क्या है म्यू नॉट बाय ये, और यहाँ पे क्या होगी म्यू नॉट बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट कोलिजन के लिए जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा रेंज अटेन करेगा तो जो एवरेज वेलोसिटी दे रखी है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं अभी नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अच्छा मैंने म्यूट किया था, ये वाला क्वेश्चन है मेरे, ये इसमें था पृथ्वी वाले आर्क में। अच्छा ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास वी वन, और इस पूरे मोशन के लिए, इस पूरे मोशन के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए एवरेज वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ये तो एवरेज वेलोसिटी एक के लिए है, और पूरे मोशन के लिए, मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, मतलब ये ए क्यूब होता रहेगा, ए की पावर 4 होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा। हाँ, ठीक है, 0.8 टाइम्स वी वन। अब हमें जो है ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी जो ये है ना उसकी वैल्यू निकालनी है, और एक क्वेश्चन है इंटीजर टाइप में, अच्छा ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हैं? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अच्छा हमें एक मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी, एक यहाँ से यहाँ तक के लिए जब पहली बार कोलाइड कर रहा है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हाँ आर होगा ना, रेंज रेंज है ना, तो एवरेज वेलोसिटी वी वन की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी है ना, रेंज डिवाइड बाय टाइम है ना, और यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या आएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी है ना, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अब हमें पता है, अब हमें पता है कि साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो यू स्क्वायर साइन, यानी टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना बाय जी, अब जी से जी तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा, तो इससे ये गया पूरा और एक ये चला गया यू से यू, यानी ये क्या जाएगा यू कॉस थीटा है ना, टू कहाँ गया है, बट टू भी तो, अरे टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ठीक है। तो हमारे पास बी वन की वैल्यू क्या आ गई, क्या कुछ नहीं कुछ,
हाँ यही आ रही थी कि मेरी थी यू कॉस थीटा है ना। हाँ अब कैसे निकलेगा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लाना पड़ेगा। यहाँ तक तो हो ही गया था। तो अब हमें पता है ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो अब पूरे मोशन के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो बी डैस ले लेते हैं, है ना। बी डैस इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आर डिवाइड बाय समेशन ऑफ टी, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ आर निकालना पड़ेगा, यानी सबकी निकालनी पड़ेगी। हाँ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर थ्री आर फोर सो ऑन आर आर एन आर एन, है ना। यानी अब क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन, है ना। तीन टाइम्स लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ये इन्फिनाइट वाला केस है, बहुत बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं इसमें। और इसमें समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो आर टोटल आर की वैल्यू टोटल आर की वैल्यू क्या होगी, टोटल आर की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट स्क्वेयर साइन टू थीटा ओवर जी, है ना, समझे। फिर म्यू के जगह पे जो वेलोसिटी है उसके जगह पे क्या है, म्यू नॉट डिवाइड बाय ए, है ना। तो म्यू नॉट डिवाइड बाय ए का होल स्क्वायर, एंगल सेम है, साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। यानी ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। फिर ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर बाय ए की पावर फोर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी एंड सो ऑन, समझे समझे। अच्छा जीपी जीपी जानते हो, जीपी देखो जो इन्फिनाइट जीपी होता है, इन्फिनाइट जीपी होता है, नहीं अभी तो एपी पता, जैसे ये देखो जैसे देखो ये एआर है, एआर स्क्वायर है एंड सो ऑन, है ना। तो अगर ये इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट टर्म्स है इसमें, है ना। अगर इसके अंदर इन्फिनाइट टर्म्स है और अगर r लेस देन वन है, r लेस देन, तो इसका सम क्या होता है, इस पूरे टर्म का जो सम होता है वो क्या होता है, पूरे टर्म का सम होता है a इक्वल्स टू a बाय वन माइनस r, ये सम नेट जी पी है। एक मिनट नोट करते हैं, तो मतलब क्या लेस देन होना चाहिए, r क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ये जैसे मैंने लिखा है ना सारी कंडीशन, इसका एग्जांपल दे दो जो अभी हम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ जैसे ये है ए आर है, ये इन दोनों का सेम रहता है, क्यों ऐसी जब जीपी में ये रेशियो सेम होता है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो सेम होता है, सेम रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ तो इन दोनों का रेशियो लें तो आर आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो लें तो भी आर आ जाएगा, आर आ रहा है वन आर। हाँ अच्छा देखो अब इसका सम क्या हो जाएगा, तो आर टोटल, अब हम क्या करेंगे, जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं, यानी म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, है ना, वो सब में कॉमन है ना, सब कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए की पावर फोर, क्या क्या हमने कॉमन लिया, म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी,
है ना। अच्छा ये बताओ इसमें कॉमन रेशो क्या होगा इसका, इसमें रेशियो देखो ये जीपी फॉर्म कर रहा है ना, तो रेशियो क्या होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो इसका सम लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी और इनटू, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, ए बाय वन माइनस आर होता है ना सम, ए बाय वन माइनस वन माइनस आर क्या होगा, वन वन अपॉन वन माइनस वन बाय ए स्क्वायर। हाँ हाँ तो इसका सम क्या जाएगा, वन बाय वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर है ना, आर टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा। ए क्या होता है, ए ये तो हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा वो फर्स्ट टर्म, अच्छा ये वाला फर्स्ट टर्म। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सॉल्व करके है ना, इसको एलसीएम ले या फिर इसको ऊपर लेकर, ठीक है। तो हमारा आर टोटल आ गया कितना आया, म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी ए स्क्वायर माइनस वन। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टोटल टाइम चाहिए है ना, यानी टी इक्वल्स टू की वैल्यू क्या होगी, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन है ना, क्या था ये, यहाँ से यहाँ तक टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ए टी वन ए टी टू और ए टी थ्री। देखो यानी एक ओवर टू म्यू नॉट साइन थीटा ओवर जी है ना, प्लस टू म्यू नॉट ओवर ए है ना, क्योंकि डिग्री जो रहा है ना वन ओपन ए टाइम्स साइन थीटा, प्लस टू म्यू नॉट ओवर ए स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी एंड सो ऑन है ना। तो इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, टू म्यू नॉट साइन थीटा ओवर जी है ना, टू म्यू नॉट साइन थीटा ओवर जी सब में कॉमन है ना, उसको कॉमन ले लिया ठीक है। अब ये क्या जाएगा, वन प्लस वन ओवर ए प्लस वन ओवर ए स्क्वायर एंड सो ऑन है ना। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा, वन बाय ए कॉमन रेशियो। अच्छा मैं यहीं पे सम कर दूँ इसको, हम इसको मिटा कर दूँगा, तो कॉमन रेशियो वन बाय ए है तो सम क्या होगा, वन बाय वन माइनस वन बाय ए है ना। फिर इसको सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, ए अपॉन वन माइनस ए माइनस वन। हाँ अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको कर देते हैं क्योंकि है ना, इक्वेशन वन इक्वेशन क्या आएगा, टोटल टोटल एवरेज वेलोसिटी। हाँ हाँ तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी वी डैश की वैल्यू निकाल लिया ना, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वन नॉट स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी है ना, इसकी टी की वैल्यू ए बाई ए माइनस वन है ना, जी से जी गया है ना, म्यू नॉट स्क्वायर से म्यू नॉट स्क्वायर गया है ना, म्यू नॉट स्क्वायर। हाँ हाँ पर ये वो नहीं था, नॉट नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे क्या जाएगा, टू म्यू नॉट टू यू म्यू नॉट, तो एक से चला जाएगा है ना, एक से एक ही तो जाएगा। हाँ इससे एक बच जाएगा यहाँ पे ठीक है। हाँ यू भी तो होगा ऊपर, ऊपर ही हुआ है ना। हाँ हाँ है,
अब हम हमारा क्या रहेगा, बी डैश का वैल्यू क्या आएगा? अब देखो इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, यानी ये क्या होगा, म्यू नॉट साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा के इक्वल होता है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा है ना, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ये नीचे ये है और ऊपर है, तो नीचे वाले का बोला है, हाँ हाँ नहीं ये ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर वाले को बोला, हाँ हाँ ठीक है, तो ये बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ये नीचे ये बाय ए प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस वन को ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन लिख सकते हैं ना इसको, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस वन को ए प्लस माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए प्लस वन, हाँ है ना, तो नीचे यहाँ पे ए प्लस वन आ गया। तो हाँ टू साइन थीटा थीटा से टू साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ गई फाइनली म्यू नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाय ए बाय ए प्लस वन है ना, और म्यू नॉट कॉस थीटा हमारे पास क्या है, वी वन, अब यहाँ पे यूज होगा इसका है ना, म्यू नॉट कॉस थीटा क्या है, वी वन, और वी डैश की वैल्यू क्या है, 0.8 वी वन है ना, वी डैश की जो फाइनल आया है वो क्या है, 0.8 वी वन, क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी वैल्यू क्या है, मी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा है ना, तो लिख देते हैं हम 0.8 वी वन इज इक्वल टू वी वन ए बाय ए प्लस वन है ना, हाँ समझे, तो वी वन से वी वन कैंसिल है ना, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, हाँ इसको 8/10 लिख सकते हैं ना, और ये ए बाय ए प्लस वन 4 आ रहा है, हाँ ये की वैल्यू क्या होगी 4, क्यों, क्योंकि 8a प्लस 8 इज इक्वल टू 10a हो जाएगा, 8a प्लस 8 इज इक्वल टू 10a है ना, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a और a का वैल्यू 4,